₹50 किलो प्याज हो गया, कम से कम 1 किलो 2 किलो प्याज लेंगे ₹100 पड़ जाएगा बेचारे को, ₹300 तो वहीं बचेंगे उनके बेचारे के, घर का खर्चा भी चलाना है उनको, जो किराए पे रहते होंगे बेचारे को कहाँ से लाते होंगे पैसा, 1500-2000 रुपए कम से कम किराया तो होता है। टमाटर मंदा है, टमाटर मंदा है भाई, प्याज टमाटर प्याज आलू बढ़ा हुआ है। हाँ, प्याज का रेट बढ़ा हुआ है, आलू का रेट बढ़ा हुआ है। और कौन कौन सी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं? हरा सब्जी तो सारे महंगे हो रहे हैं, आसमान पर पहुँच गया, पहुँच गया, पहुँचेंगे नहीं, पहुँच गया, महंगा हो गया प्याज पहले से। अच्छा, बहुत ज्यादा रेट लग रहा है अभी, सोच में नहीं आ रहा लें के ना ले, लेना पड़ेगा आलू प्याज तो मेहनत करके लिए, उसके बिना तो सब्जी नहीं बनती। हाँ जी, चावल के साथ ही आलू की सब्जी बना लेते हैं तो खा लेते हैं, चावल वगैरह आलू मटर, इसके बिना आए नहीं कुछ भी। एक हफ्ते में बड़ा हुआ दाम लग रहा है, बहुत खरीदने आए चाचा, सब्जी खरीदने आए, सब्जी महंगी हो गई है, आलू प्याज बहुत महंगी हो गई, महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई, क्या करेंगे, तो कैसे कैसे गुजारा होगा, क्या करते हैं, किसी पे दिहाड़ी करते हैं हम लोग, दिहाड़ी करते हैं, तो ऐसे में तो दिक्कत होती हो, बहुत दिक्कत होती है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे सरकार से, अभी इन लोग घटाता ही नहीं तो हम क्या कहें, ₹50 किलो, ₹50 किलो, ₹30 किलो, ₹30 किलो। गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में प्याज आलू के दाम यानी कि सब्जियों के दाम में भी थोड़ी बहुत वृद्धि जरूर देखने को मिल रही है। हम पुरानी सब्जी मंडी में पहुंचे हैं, आलू प्याज के दाम पता चला कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नींबू अदरक लहसुन के दाम भी बढ़ गए हैं, प्याज के क्या दाम है, आलू के क्या दाम है, भैया से जानते हैं क्या दाम चल रहा है आलू और प्याज का? ₹50 किलो चल रहा है जी, ₹50 किलो, आलू ₹30 किलो चल रहा है, बढ़िया वाला आलू। हाँ जी, क्या पिछले एक हफ्ते में बढ़े हैं दाम आलू प्याज के? हाँ जी बढ़े हैं, ₹10 किलो तक बढ़ गया रेट, बेचारे गरीब लोग कहाँ से खाएंगे, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं वो बेचारे कहाँ से लाएंगे, ₹400 दिहाड़ी कमाते हैं, ₹50 किलो प्याज हो गया, कम से कम 1 किलो 2 किलो प्याज लेंगे ₹100 पड़ जाएगा बेचारे को, ₹300 तो वहीं बचेंगे उनके बेचारे के, घर का खर्चा भी चलाना है उनको, जो किराए पे रहते होंगे बेचारे को कहाँ से लाते होंगे पैसा, 1500-2000 रुपए कम से कम किराया तो होता ही होगा। और सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं शायद? हाँ जी बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं, सब्जी इतनी महंगी हो गई है, बेचारे जो गरीब लोग हैं कहाँ से खाएंगे, और जो बस यही है कि क्या कारण बताया जा रहा है प्याज के दामों में जो वृद्धि हुई है? सर प्याज का, प्याज बढ़ने का रेट ये कारण है कि पीछे से माल नहीं आ रहा है और पीछे सड़ रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी के कारण माल सड़ रहा है, तो बेचारे गरीब लोग बस यही करते हैं कि विनती है लोगों से, सरकार से विनती है कि माल सस्ता करें, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको थोड़ा अपनी आमदनी। बिल्कुल, प्याज और आलू के दाम बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर ₹50 के आसपास प्याज पहुंच चुका है, आलू ₹30 के आसपास है, टमाटर का क्या भाव चल रहा है भैया? टमाटर ₹20 किलो जी, ₹20, टमाटर मंदा है, टमाटर मंदा है भाई, प्याज टमाटर प्याज आलू बढ़ा हुआ है। हाँ, प्याज का रेट बढ़ा हुआ है, आलू का रेट बढ़ा हुआ है। और कौन कौन सी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं? हरा सब्जी तो सारे महंगे हो रहे हैं, आसमान पर पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंचेंगे नहीं, पहुंच गया, पहुंच गया। हाँ जी बिल्कुल। और टमाटर अभी मंदा? ठीक है, टमाटर का रेट ठीक है अभी, ठीक है बिल्कुल, टमाटर का रेट ठीक है, ₹20 किलो, कहीं ₹25 किलो, लेकिन अगर प्याज आलू की बात करें तो प्याज आलू के दाम ज्यादा है। क्या रेट चल रहा है भैया आपके पास प्याज और आलू का दाम? प्याज ₹30 किलो है, प्याज ₹30 किलो है, आलू, आलू आलू भी ₹30 किलो है। पहले से बड़े हैं दाम आलू और प्याज के? बड़े हैं, पहले से बड़े हैं। आप लेने के लिए आए हैं भैया? क्या बहुत महंगा हो गया प्याज पहले से? अच्छा, बहुत ज्यादा रेट लग रहा है अभी, अभी सोच में नहीं आ रहा लेंगे ना ले, लेना पड़ेगा आलू प्याज तो मेहनत करके लिए, उसके बिना तो सब्जी नहीं बनती। नहीं, हाँ जी, चावल के साथ ही आलू की सब्जी बना लेते हैं तो खा लेते हैं, चावल वगैरह आलू मटर, इसके बिना आए नहीं कुछ भी। एक हफ्ते में बढ़ा हुआ दाम लग रहा है? बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गए, ₹50 किलो प्याज, ये वाला प्याज हो गया ₹50 किलो, ये वाला हो गया ₹30 किलो। एक हफ्ते पहले क्या दाम था इसका? इसका दाम था ₹25 किलो, डबल हो गया है, 25 से 50 हो गया है। और उसका? उसका ₹30 किलो, ₹20 किलो बिक रहा था, जो ₹20 किलो बिक रहा था वो 30 हो गया है, जो 25 बिक रहा था वो 50 हो गया है। आप भी सब्जी खरीदने आए चाचा? हाँ, सब्जी खरीदने आए, सब्जी महंगी हो गई है, आलू प्याज बहुत महंगी हो गई, महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई, क्या करेंगे, तो कैसे कैसे गुजारा होगा, क्या करते हैं, किसी पे दिहाड़ी करते हैं हम लोग, दिहाड़ी करते हैं, तो ऐसे में तो दिक्कत होती हो, बहुत दिक्कत होती है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे सरकार से, अभी इन लोग घटाता ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, घटाता ही नहीं है, घटाता ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, मेरा बात थोड़ा सुनेगा, नहीं सुनेगा, जैसे जनता का बात कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता, तो काम धंधा सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है, काम धंधा सही चल रहा है, ये अच्छी बात है। प्याज आलू के दाम पता कर रहे थे, अपने पास क्या आलू का दाम है?
30 रुपए किलो बड़ा है आलू का दाम। आलू का दाम बड़ा है। तो सब्जी मंडी में पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। कैसे हैं अंकल जी आप? हां जी बहुत बढ़िया। क्या दाम सब्जी के पता चल रहे हैं? आलू प्याज के दाम बढ़ गए हैं, जेब पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, पड़ेगा सर। ये तो पहले से कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं? पहले से ज्यादा रेट है जी। हाँ जी, पहले कम था। तो क्वांटिटी कम लेकर जा रहे होंगे घर? नहीं, क्वांटिटी उतनी लेकर जा रहे हैं। क्वांटिटी उतनी लेकर जा रहे हैं, लेकिन जेब पर असर पड़ ही रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तमाम लोग हैं जो आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन जेब पर असर पड़ता ही है। आलू प्याज के दाम बढ़े हुए हैं। आलू 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, क्या कुछ किलो का भाव मिल रहा है आंटी जी प्याज और आलू का? आलू का दाम क्या है? आलू का 30 रुपए और प्याज का दाम 40 रुपए। बढ़ा है पिछले हफ्ते के मुकाबले? पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ा है। आपने क्या आलू खरीदा? हाँ जी, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। हाँ जी। एक हफ्ता पहले क्या बिक रहा था आलू का दाम? 25 क्या? 20-25 था जी। हाँ, अब बढ़ गया। प्याज भी बढ़ गया जी। प्याज भी बढ़ गया। प्याज बजे तो 50 बोलते हैं गाँव में, 50 रुपए किलो देते हैं। तो गांव से यही लेने आ जाते हैं? बस यहाँ सार मावन लेना, सामान लेना हो तो अपना सब्जी भी ले जाए जी। बिल्कुल। और इसी तरीके से जो हरी सब्जियां हैं उसके दाम भी बढ़ गए हैं, चाहे हम बात करें करेले की या बात करें बाकी हरी सब्जियों की। तमाम लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप भी भैया खरीदारी करने के लिए आए? प्याज आलू के दाम बढ़ गए हैं? हाँ जी भैया, काफी बढ़ गए हैं। जेब पर असर बिल्कुल होता है। क्या क्वांटिटी कम ले रहे हैं? क्या किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्वांटिटी कम ही चल रही है अब तो, थोड़ा कट ऑफ उसमें करके चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं हरी सब्जियां भी हैं। क्या क्या हरी सब्जियों के दाम बढ़े हैं भैया? सारी चीजें बढ़ रही है जी। क्या क्या? मटर की घिया 60 रुपए किलो हो रही है। घिया 60 रुपए किलो। अच्छा, और बच्चे तो खाते भी नहीं है घिया? नहीं है तो चाउमीन बर्गर, चाउमीन बर्गर खाना है। करेला क्या दाम मिल रहा है? करेला 40 है। पेठा? पेठा 30 है जी। और अरबी? नींबू के दाम भी बढ़ गए हैं? नींबू 120 है। 120 है। और अदरक और लहसुन? अदरक 70 का पाइया। अदरक 70 का पाइया। लहसुन? लहसुन भी 70। क्या बड़े आलू प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, आगे से ही बढ़ रहे हैं सर। पीछे से ही? हाँ, वो पीछे से बढ़ रहे हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। पीछे से बढ़ रहे हैं, कारण कुछ पता चल रहा है? बस आगे खेती में होने नहीं जी, गर्मी भी हो सकता है कारण। हाँ जी, हाँ जी। तमाम लोग जो खरीदारी भी कर रहे हैं और तमाम लोग जो यहाँ पर बेच भी रहे हैं, अपना गुजारा भी कर रहे हैं, लेकिन दाम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले। चाहे प्याज की बात करें, आलू की बात करें, हरी सब्जियों की बात करें, और आने वाले दिनों में इसी तरीके से ये थोड़ी बहुत जो वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। और लोग इससे परेशान भी रहते हैं क्योंकि दाम बढ़ते हैं तो जेब पर असर पड़ता है। आप लोग अपना ध्यान रखें और थोड़ी बहुत सब्जी लेते रहें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। उम्मीद करेंगे कि सब्जियों के दाम फिर से मैनेज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे आम पब्लिक को राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।